नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज राशि रत्नों में सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट और डुप्लीकेट अगर कोई रत्न मार्केट में है तो वह है माणिक। 100 में से 90% रत्न आज की तारीख में माणिक के नाम पर मार्केट में ग्लास मिक्स और ट्रीटमेंट किए हुए होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट और ग्लास मिक्स वाले माणिक भी दिखाऊंगा और इंडियन माणिक जो 100% नेचुरल होता है, नो ट्रीटमेंट होता है, वह भी दिखाऊंगा। दोनों के इफ़ेक्ट में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, उसके बारे में बताऊंगा। और मार्केट में माणिक खरीदते समय आपको चोर बाजारी से आप कैसे बच सकते हैं, इस विषय में भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा माणिक के नाम पर ही कालाबाजारी होती है, चोर बाजारी होती है। दोस्तों, ट्रीटमेंट किया हुआ रत्न और ग्लास मिक्स कोबाल्ट फिल्ट यानी कि बहुत गंदे रत्न को उसमें ट्रीटमेंट करके उसके अंदर मसाला या दूसरी चीज़ें डाल करके साफ सुथरा किया जाता है, देखने में तो बढ़िया हो जाता है, स्क्रीन पर देखिए, लेकिन उसके प्रभाव में भारी अंतर आ जाता है। तो जहाँ से भी आप माणिक खरीदें, कोशिश करें उसकी गवर्नमेंट लैब या प्राइवेट अच्छी लैब से सर्टिफिकेट कराएं, उसमें स्पष्ट लिखा हो नो ट्रीटमेंट, और दुकानदार से इस बात की जिम्मेदारी लें कि आपका रत्न नो ट्रीटमेंट नहीं है, सॉरी ट्रीटमेंट वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, ये न्यू बर्मा या मोजाम्बिक कहकर के मार्केट में चीज़ बेची जाती है। आप खरीदने से पहले क्लियर करें कि ग्लास मिक्स तो नहीं है। अगर ग्लास मिक्स है तो बिल्कुल छोड़ दे उसको, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। कोबाल्ट फिल्ट है, ग्लास मिक्स है, अगर कलर्ड है, ट्रीटमेंट है तो इसमें कुछ चांस बन जाते हैं उसको धारण करने के। लेकिन ये मोजाम्बिक और न्यू बर्मा को छोड़ करके आप ये देखिए, ये भारतीय माणिक है, बहुत ध्यान से देखिए इस वैरायटी को आप, ये देखिए, ये भारतीय माणिक है और यह माणिक आम तौर पर नो ट्रीटमेंट, नो ग्लास मिक्स, नो कोबाल्ट फिल्ट होता है, नेचुरल होता है। देखने में इसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल भी नहीं होगा, होगा तो महंगा हो जाएगा, लेकिन इसके जो असरात हैं, इसका जो रिजल्ट है, बेहद शानदार है। दोस्तों, व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई के 2 पैसे खर्च करके रत्न पहनता है, शौक से रत्न पहनता है, फ़ायदे के लिए रत्न पहनता है, और रत्न के नाम पर जब उसके उसको गलत चीज़, आदमी को पैसे खर्च करने का दुख नहीं होता, जहाँ आदमी 20,000 खर्च करता है 25 भी कर सकता है, 30 भी कर, लेकिन जब व्यक्ति को पैसे खर्च करने के बाद भी ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती तब दुख का विषय होता है। तो माणिक खरीदते समय खासकर आप सावधानी बरतें, ग्लास मिक्स और कलर ट्रीटमेंट ना ही हो ज़्यादा बेहतर है। साफ सफाई का एक प्रोसेस होता है स्टोन में, कटिंग का एक प्रोसेस होता है, वह सारे स्टोन में होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।